बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारे पास चैप्टर चल रहा था रिलेशन। रिलेशन की हमारे पास नेक्स्ट टाइप है ट्रांसटिव रिलेशन। तो ट्रांसटिव रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांसटिव If A B belongs to R and B C belongs to R, then A C belongs to R। कि हमारे पास अगर ये दो पेयर्स मौजूद हैं A B और B C अगर रिलेशन में मौजूद हैं तो फिर A C वाला भी रिलेशन होना चाहिए। इस ये दो पेयर्स किस तरह के होंगे कि इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर ये दोनों सेम हैं तो फिर ये फर्स्ट एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ ये वाला पेयर भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। जैसे अगर 1 2 वाला रिलेशन R में है और फिर 2 3 वाला रिलेशन R में है तो फिर 1 और 3 वाला रिलेशन में भी R में होना चाहिए। 1 3 वाला भी पेयर R में होना चाहिए। अगर ये तीनों पेयर्स मौजूद हैं तो फिर रिलेशन को क्या कहेंगे? ट्रांसटिव रिलेशन। इसकी क्वांटिफायर की फॉर्म में डेफिनेशन क्या होगी? फॉर ऑल ए बी सी, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई रिलेशन देखते हैं। जैसे हम R की वैल्यूज रखते हैं 1 1 1 2 2 1। इस रिलेशन को चेक करते हैं कि क्या ये वाला रिलेशन ट्रांसटिव है या नहीं। अब इसमें देख लें, इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, जब रिलेशन ये दो पेयर्स होंगे तो फिर तब ये वाली कंडीशन हम चेक करेंगे। इन दो पेयर्स का रिलेशन में होना ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे देखें, इन दो पेयर्स का मतलब क्या है कि पहले इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो इन दोनों रिलेशन में देख लें, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो 1 1 वाला पेयर भी यहाँ पे मौजूद है। और कंडीशन देख लें कि और कौन से ऐसे पॉसिबल पेयर्स हैं जिनका सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम है। इसमें इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो फिर फर्स्ट का इसके साथ रिलेशन होना चाहिए और 1 2 और 1 2 वाला पेयर भी यहाँ पे मौजूद है। अगर हम इन दोनों के लिहाज से देखें, 2 1 और 1 2 के लिहाज से, इसको पहले इसको बाद में देखें, तो फिर भी इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो फिर इसके फर्स्ट का इसके सेकंड के साथ 2 2 वाला पेयर होना चाहिए। 2 2 वाला पेयर रिलेशन में नहीं है तो ये वाला रिलेशन ट्रांसटिव नहीं होगा। अगर एक दफ़ा भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, जितने पेयर्स हैं उन सब के लिए बारी बारी चेक करना होगा। अगर एक दफ़ा भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो वाला रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं होगा। जैसे बाकी सब के लिए कह रही थी, लेकिन अगर इसको पहले इसको बाद में देखें तो तब भी इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो फर्स्ट का लास्ट के साथ पेयर 2 2 वाला पेयर होना चाहिए था। 2 2 वाला पेयर आर में नहीं है, एज 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट ट्रांसटिव, तो फिर आर वाला रिलेशन ट्रांसटिव नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इज द डिवाइड रिलेशन on the set of positive integers is transitive। डिवाइड रिलेशन में अब ये क्या बन रहा था, डिवाइड रिलेशन क्या बनेगा कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो क्या ए सी को डिवाइड करता है? ये जनरल थ्योरम होल्ड करता है। जैसे जैसे 2 देखें 6 को डिवाइड करता है, फिर 6 देखें आगे किस नंबर को डिवाइड करता है। जैसे 6
12 को डिवाइड करता है तो 2 फिर 12 को भी डिवाइड करता है। जितने भी आप ऐसी पॉसिबल नंबर्स उठाएंगे, अगर ए वाला बी को डिवाइड करेगा, बी वाला सी को डिवाइड करेगा, तो लाजमी ए सी को भी डिवाइड करेगा। ये दोनों रिलेशन आपने यूज़ करने होंगे क्योंकि ये गिवन कंडीशंस हैं और इसको प्रूव करना होगा। लेट ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी। पहले दोनों कंडीशन जनरल होल्ड करेंगी कि ए वाला बी को डिवाइड कर रहा है, बी वाला सी को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है। ये दोनों कंडीशंस गिवन है और फिर इसको प्रूव करना है। अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, जैसे यहाँ पे देखें 2 6 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 वाले जो डिवाइड कर रहे हैं उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ए को किसी इंटीजर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, बी। यहाँ वाले नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम बी को किसी इंटीजर एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा। यहाँ पे के और एम क्या हैं, दो इंटीजर्स हैं। के और एम हमने कहाँ से उठाए हैं, सेट ऑफ इंटीजर से। कि बी के हम बी बी अगर बी सी को डिवाइड कर रहे हैं तो बी को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे सी आ जाएगा। ए बी को डिवाइड कर रहे हैं तो ए को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे बी आ जाएगा। इसको वन का, इसको 2 का नाम दे दें, बी की ये वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 2, सी इज इक्वल टू बी, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दें, ए के एम सी इज इक्वल टू ए के इंटू एम। अब यहाँ देखें, जैसे ये था ए को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया बी आ गया, तो इसका क्या मतलब था, ए बी को डिवाइड कर रहे हैं। के और एम दोनों इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। के और एम मल्टीप्लाई होकर लेट कर लें कि किसकी इक्वल आ जाएगा, एन की इक्वल। ये जो के और एम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हमने किसका नाम दे दिया है, एन का। अगर दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई हों तो हमेशा क्या आता है, एक इंटीजर आता है, तो एन भी क्या होगा, एक इंटीजर आएगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन थी कि ए को किसी इंटीजर के से मल्टीप्लाई किया बी आ गया, तो इसका क्या मतलब था, ए बी को डिवाइड कर रहे हैं। ए को हमने इंटीजर एन से मल्टीप्लाई किया सी आ गया, तो इसका क्या मतलब है, ए जो है वो सी को डिवाइड करेगा, दोनों नंबर्स डिवाइड करेंगे। ए भी सी को डिवाइड कर सकता है, एन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल है, 2 6 को डिवाइड करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 भी 6 को डिवाइड करते हैं और दूसरा जो इंटीजर 3 उठाएंगे वो भी 6 को डिवाइड करते हैं। हमें कंडीशन किसके लिए चाहिए, ए के लिए, तो यहाँ पे एक ए बी सी को डिवाइड करेगा, एन बी सी को डिवाइड करेगा। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर तीसरा नंबर बना रहे हैं तो जो नंबर दोनों मल्टीप्लाई होंगे दोनों इन नंबर को डिवाइड करेंगे। हमें कंडीशन ए के लिए चाहिए तो हमने ए के लिए कंडीशन उठा ली है कि ए किसको डिवाइड करेगा, सी को। ए अगर बी को डिवाइड करता है और बी वाला सी को डिवाइड करता है तो ए किसको डिवाइड करेगा, सी को। डैट इज़ ए डिवाइड्स सी। अगर एक एलिमेंट का दूसरे के साथ रिलेशन है, दूसरे का तीसरे के साथ है और पहले का तीसरे के साथ रिलेशन बन जाए तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसटिव रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन कौन सा चल रहा था, डिवाइड्स का, हेंस डिवाइड्स रिलेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज रिफ्लेक्सिव। पॉजिटिव इंटीजर की सिर्फ इसलिए बात हुई है क्योंकि जीरो, फिर जीरो की डिवीजन जब जीरो से आ जाएगी तो उसके लिए कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, तो इस वजह से यहाँ पे हम इंटीजर्स नहीं उठा सकते, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, R1 और R2 जो हैं वो दो रिलेशंस हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। उनके दरमियान रैशनल इरेशनल इंटीजर सारे नंबर्स कवर हो जाते हैं, तो उस माइनस इन्फिनिटी जो नंबर लाइन है उस
नंबर लाइन के लिए हमारे पास दो रिलेशन डिफाइन है, R1 और R2। R1 में हमने किस तरह के पेयर्स उठाने हैं, x इज ग्रेटर देन y, मतलब आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे से बड़ा होना चाहिए। R2 में हमने कैसे पेयर उठाने हैं, x इज लेस देन y, मतलब आर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होना चाहिए, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर जो है इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे रिलेशन भी इनफाइनाइट है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हैं उनकी हम टेबुलर फॉर्म नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे रिलेशंस की भी टेबुलर फॉर्म नहीं लिख सकते। मतलब जैसे हम पेयर्स पहले डिफाइन कर रहे थे कि ये पेयर्स रिलेशन में आएंगे, ये सेट इनफाइनाइट है, तो इन रिलेशंस में हम उस तरह पेयर डिफाइन नहीं कर सकते। जनरल प्रॉपर्टी से ही आपने इसका, इन दोनों रिलेशंस का यूनियन इंटरसेक्शन, पहले का दूसरे से डिफरेंस, फिर दूसरे का पहले से डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमें गिवन कंडीशन क्या है, दो हमें रिलेशन गिवन है R1, और दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। पहले में वो पेयर्स हैं जिसमें एक्स वाई से ग्रेटर है, दूसरे में वो पेयर्स हैं जिसमें एक्स वाई से लेस है। बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस हैं दोनों की। इसमें आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बड़ा होगा, इसमें आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट छोटा होगा दूसरे से। R1 यूनियन R2, यूनियन में क्या करेंगे, दोनों कंडीशंस कंबाइन कर देंगे, एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज लेस देन वाई। वो तमाम पेयर्स यूनियन में क्या करेंगे, दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर दें, वो तमाम पेयर्स उठा लें जिनमें पहला नंबर दूसरे से छोटा हो और फिर पहले वाला दूसरे से बड़ा हो। तो ये किस तरह के पेयर्स आ सकते हैं, इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन किया जाए तो किस तरह के पेयर्स आ सकते हैं जिसमें इक्वल की कंडीशन ना हो, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल की कंडीशन नहीं है। पहला दूसरे से छोटा भी हो और पहला दूसरे से छोटा भी हो, तो ये तब भी हो सकता है जब दोनों एलिमेंट इक्वल ना हो, क्योंकि दोनों कंडीशन आ गई हैं। तो सिर्फ ये वाली इक्वल वाली कंडीशन छोड़ के जहाँ पे दो नंबर्स इक्वल होंगे, जैसे 1 1 2 2, 1.1 1.1, इस तरह के जितने पार्सिबल पेयर्स हैं जिनमें दोनों नंबर सेम आ चुके हैं, वो सारे पेयर्स निकाल के बाकी जितने पेयर्स होंगे वो किस में आ जाएंगे, यूनियन में, क्योंकि इक्वल के अलावा या फिर पहला नंबर बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। तो यूनियन की कंडीशन इस तरह की बन जाएगी, R1 इंटरसेक्शन R2 में क्या करेंगे, यूनियन में मैंने आपको बताया था कि R की कंडीशन और इंटरसेक्शन में एंड की कंडीशन यूज करते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एंड एक्स इज लेस देन वाई। क्या एक ही एट अ टाइम ये पॉसिबल है कि एक नंबर दूसरे से बड़ा भी हो और दूसरे से छोटा भी हो, एक नंबर दूसरे से या बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। जैसे 1 और 2 उठा लें, कैसा पॉसिबल है कि 1 2 से बड़ा भी हो और फिर 1 2 से छोटा भी हो, नहीं, तो ऐसे कोई नंबर्स नहीं मिलेंगे, कोई ऐसे दो रियल नंबर्स नहीं होंगे जो एट अ टाइम एक दूसरे से बड़े भी हों और फिर छोटे भी हों। एंड का वर्ड है तो मतलब ये दोनों कंडीशन इकट्ठी एग्जिस्ट करें, तो ऐसा कोई पेयर नहीं होगा। तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगी, एम्प्टी सेट। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि दोनों की कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई एक्स लेस देन वाई, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो इनके इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, एम्प्टी सेट। R1 माइनस R2, क्योंकि दोनों सेट बिल्कुल अपोजिट हैं, तो R1 को जब R2 में से माइनस करेंगे, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, R1 की इक्वल। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। अब पहले सेट का कोई एलिमेंट दूसरे में है ही नहीं, तो ये R1 माइनस R2 किसकी इक्वल आ जाएगा, R1 की इक्वल। और जब R2 माइनस R1 फाइंड करेंगे, R2 माइनस R1 कैसे फाइंड करते हैं, जैसे B माइनस A, B के वो एलिमेंट जो A में ना हो, तो यहाँ पे जो R2 है उसका कोई एलिमेंट R1 में है ही नहीं, क्योंकि दोनों सेट्स की कंडीशन ही बिल्कुल अपोजिट है, दोनों में कोई पेयर कॉमन होगा ही नहीं, R2 का कोई एलिमेंट R1 में है ही नहीं, तो कोई कॉमन एलिमेंट निकलेगा ही नहीं, तो दोबारा किसकी इक्वल आ जाएगा, R2 की इक्वल। R1 माइनस R2 इसकी इक्वल होगा, R1 की इक्वल, मतलब R1 माइनस R2 में वो पेयर्स होंगे जिसमें पहला आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा। R2 माइनस R1 में वो पेयर्स आएंगे जिसमें x जो है वो y से लेस होगा। इसके अलावा यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन हम सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं R1 का सिमेट्रिक डिफरेंस R2 से।
इसकी डेफिनेशन क्या थी, आर वन यूनियन आर टू माइनस आर वन इंटरसेक्शन आर टू, आर वन यूनियन आर टू, इसकी वैल्यू क्या आई है एक्स वाई, सच डैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, माइनस आर वन इंटरसेक्शन आर टू की वैल्यू क्या आई है एम्प्टी सेट, इस सेट में से खाली सेट निकाल दें मतलब कुछ भी नहीं निकालना, तो दोबारा यही सेट आ जाएगा एक्स वाई सच डैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कंपोजिट रिलेशन। यहाँ पे हमें तीन सेट्स और दो रिलेशन कंसीडर करने पड़ेंगे। कंसीडर करें कि ए बी और सी तीन सेट्स हैं और आर हमारे पास रिलेशन है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड एस बी अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशन है, आर वाला रिलेशन है ए से बी की तरफ और एस वाला रिलेशन है बी से सी की तरफ। अगर हमने ये वाला कंपोजिट रिलेशन लिए है आर से एस की तरफ, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सी, इसका मतलब ये है डेट आर हमने रिलेशन लिया है ए से बी की तरफ, एक और हमने रिलेशन लिया है एस बी से सी की तरफ। तो फिर इस रिलेशन की डोमेन और ये कॉमन वाला ये निकाल के इन दोनों के जो दरमियान रिलेशन बनेगा उस रिलेशन को क्या कहेंगे, कंपोजिट रिलेशन। आर का रिलेशन अगर हम एस के साथ बनाएंगे तो वो रिलेशन कैसा बन जाएगा, ए का सी के साथ। ये कंपोजिट रिलेशन के लिए सिंबल है, आर का कंपोजिट रिलेशन बनाया है एस का, तो जो पहले वाला रिलेशन होगा उसका पहला सेट और जो दूसरे वाला रिलेशन होगा उसका दूसरे वाला सेट कंसीडर करेंगे। पहले जहाँ पे आर था तो उसके पहले वाला सेट ए कंसीडर किया, फिर दूसरे नंबर पे एस था तो इसका दूसरे वाला सेट सी कंसीडर किया। इसमें पेयर्स किस फॉर्म में आएंगे, ए और क्योंकि ये आर और एस ये जो इनका कंपोजिट रिलेशन है ये किस फॉर्म में है, ए से सी की तरफ, तो इसमें पेयर्स किस फॉर्म में आएंगे, ए सी की फॉर्म में। That is AC belongs to AC belongs to R composite relation with S। यहाँ पे A किस सेट का एलिमेंट होगा, A का, और C किसका एलिमेंट होगा, C का। ये एग्जांपल देखते हैं कंपोजिट रिलेशन से रिलेटेड। R हमारे पास रिलेशन है, इसमें हमारे पास पेयर्स हैं 1 1 1 4 टू थ्री थ्री वन थ्री फोर, एस में हमारे पास पेयर्स हैं 10 टू ज़ीरो थ्री वन थ्री टू फोर वन। हमने क्या फाइंड करना है, आर का कंपोजिट रिलेशन फाइंड करना है एस के साथ। ये थोड़ा सा ट्रांसटिव की कंडीशन जैसा ही होगा। आर जो आर में हमारे पास पेयर्स होंगे, आर हमारे पास रिलेशन होता है ए से बी की तरफ, तो आर में हमारे पास पेयर्स किस फॉर्म में होंगे, ए बी की फॉर्म में। एस हमारे पास कौन सा रिलेशन था, बी से सी की तरफ, इसमें हमारे पास पेयर किस फॉर्म में होंगे, बी सी की फॉर्म में। आर का कंपोजिट रिलेशन विद एस ये किस फॉर्म में होगा, ए सी सी की तरफ, तो इसमें पेयर किस फॉर्म में होंगे, ए सी की फॉर्म में। तो थोड़ी वैसी कंडीशन बन जाती है, सिर्फ ये है कि वहाँ पे एक ही रिलेशन में वो सारे पेयर्स होने चाहिए, यहाँ पे ये तीन डिफरेंट रिलेशन बन रहे, मतलब वहाँ पे ये तीनों पेयर्स एक ही रिलेशन में होल्ड करने चाहिए। यहाँ पे ये एक पेयर एक रिलेशन में है, दूसरा दूसरे में और थर्ड वाला तीसरे रिलेशन में। अगर आर में ए का बी के साथ रिलेशन होगा, एस में बी का सी के साथ, और आर कंपोजिट विद एस में ए का सी के साथ। तो जब कंपोजिट बनाना होगा तो इधर से आर वाले का क्या करना होगा, पहला एलिमेंट और एस वाले का दूसरा एलिमेंट उन पेयर्स का उठाना होगा जिसमें आर का सेकेंड एलिमेंट और एस का फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा। तो ए बी वाले पेयर्स देखते हैं, बी सी वाले, और फिर हमने बनाने किस तरह के हैं, ए सी वाले। ए बी वाले पेयर्स किस के होंगे, आर के, तो आर का सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पेयर उठा लेते हैं 1 1। इसका
सेकंड एलिमेंट क्या है, वन। तो आगे एस में देखते हैं कि कितनी पॉसिबल कंडीशंस हैं। जी देखें, आर में पेयर्स किस फॉर्म में है, ए बी की फॉर्म में। एस में पेयर्स किस फॉर्म में है, बी सी की फॉर्म में। मतलब जो आर वाला एलिमेंट है उस आर आर के जो पेयर्स हैं उनका सेकंड एलिमेंट और जो एस वाला है इसके फर्स्ट एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ए के पेयर्स लिखें और दूसरी की उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल कंडीशंस देख लें। आर का हमने पहला एलिमेंट उठा लिया है वन वन, इसका सेकंड एलिमेंट वन बन रहा है। तो एस में वो पेयर्स उठाने हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट वन हो। तो एस में ऐसा सिर्फ ए की पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट वन हो और वो कौन सा है, वन जीरो वाला। और पॉसिबल कंडीशन नहीं है, एक ही है। तो ये हमने वन पहले पेयर के लिए देख ली। अगला पेयर कौन सा है, वन फोर। अब इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, फोर। तो एस के वो पेयर्स देखने हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट फोर हो। तो एस के में सिर्फ ऐसा एक ही पेयर है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फोर हो और वो कौन सा है, फोर वन। आर का नेक्स्ट पेयर है हमारे पास टू थ्री। अब हमने एस के वो पेयर्स देखने हैं जिनका पहला एलिमेंट थ्री हो। ऐसे दो पेयर्स हैं, थ्री वन और थ्री टू। तो पहले टू थ्री का के साथ हम किसको यूज़ करेंगे, थ्री वन को। फिर हम टू थ्री को दोबारा यूज़ करके किसको यूज़ करेंगे, थ्री टू को। क्योंकि टू थ्री के अकॉर्डिंग हमारे पास एस में दो पेयर्स बन रहे थे इसलिए दोनों कंडीशंस यूज़ कर लीं। टू थ्री के लिए एस में दो पेयर्स थे जिसमें पहला एलिमेंट थ्री हो, थ्री वन भी और थ्री टू भी। नेक्स्ट आर का अगला पेयर कौन सा है, थ्री वन। थ्री वन इसका सेकंड एलिमेंट वन है। तो एस में देख लें ऐसा कौन सा पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट वन हो और वो कौन सा है, वन जीरो वाला। तो यहाँ पे कौन सा पेयर आ जाएगा, वन जीरो। आर का अगला पेयर कौन सा है, थ्री फोर। इसका सेकंड एलिमेंट फोर है। तो एस में ऐसे पेयर्स देख लें जिनका फर्स्ट एलिमेंट फोर हो। तो ऐसा एक ही पेयर है ये फोर वन वाला जिनमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फोर। अब हम ये बनाते हैं ए सी वाले पेयर्स जो किस में होंगे, आर कंपोजिट रिलेशन विद एस में। ए सी तो यहाँ से देख लें ए की वैल्यू क्या है, वन, और सी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। मतलब ये जो हमने पेयर्स बनाए हैं यहाँ पे इसका सेकंड और इसका फर्स्ट पेयर सेम किया, उसको छोड़ के इसका पहला और इसका आखिरी उठा लें। तो यहाँ पे पहला पेयर क्या आ जाएगा, वन ज़ीरो। यहाँ पे सेम वाला फोर है वो छोड़ के क्या पेयर बन जाएगा, वन वन। थ्री थ्री छोड़ के कौन सा पेयर बन जाएगा, टू वन। यहाँ थ्री थ्री छोड़ के पेयर आ जाएगा टू टू। वन वन वाला पेयर छोड़ के यहाँ पे पेयर आ जाएगा थ्री ज़ीरो। फोर फोर वाला पेयर छोड़ के यहाँ पे पेयर आ जाएगा थ्री वन। तो ये जो ए सी वाले जितने पेयर्स होंगे ये किस में आ जाएंगे, कंपोजिट रिलेशन में, आर कंपोजिट रिलेशन विद एस। एस में कौन से पेयर्स आ जाएंगे, वन ज़ीरो, वन वन, टू वन, टू टू, थ्री ज़ीरो, थ्री वन। आर का कंपोजिट रिलेशन एस के साथ भी फाइंड किया जा सकता है, एस का आर के साथ भी किया जा सकता है, आर का आर के साथ भी और एस का एस के साथ भी। कंडीशन इसी तरह यूज़ करनी होगी। अब एस कंपोजिट आर में ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे पेयर्स चेंज कर दें। जब हम एस का कंपोजिट रिलेशन आर के साथ बनाएंगे तो यहाँ पे पहले हम एस की वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर इसी तरह पॉसिबल कंडीशंस आर की देखेंगे कि इसके सेकंड और उसका कौन सा फर्स्ट वाले, इस ऐसे कौन से पेयर्स हैं कि इसका सेकंड और उसका फर्स्ट वाला सेम है। मतलब ये वाले जो बी सी वाले पेयर्स होंगे वो यहाँ पे होंगे, फिर उनके लिए पॉसिबल कंडीशंस देखेंगे। एस उसमें एस पहले होगा तो एस के यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे और फिर यहाँ पे आर में पॉसिबल कंडीशन इसी तरह देखेंगे जैसा कि अभी हमने आर का कंपोजिट रिलेशन एस के साथ बनाया है। मतलब यहाँ पे चार पॉसिबल कंपोजिट रिलेशन बन सकते हैं, आर का आर के साथ, एस का एस के साथ, आर का एस के साथ और एस का आर के साथ। जैसे ये आर का एस के साथ बनाया इसी तरह बाकी तीन भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास आर रिलेशन है वन वन, टू वन, थ्री टू, फोर थ्री। हमने आर स्क्वायर मतलब आर का रिलेशन आर के साथ फाइंड करना है। इसी तरह अगर हमें आर क्यूब फाइंड करना है पड़े तो हम आर क्यूब कैसे फाइंड करेंगे कि आर स्क्वायर का कंपोजिट रिलेशन आर के साथ बना लेंगे। इसी तरह अब यहाँ पे रिलेशन भी किसी की पावर के लिए ये फॉर्म यूज़ की जा सकती है।
हम सबसे पहले जहाँ आर का रिलेशन आर के साथ देखते हैं, आर का रिलेशन आर के साथ ही देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आर के पेयर्स लिख लें, 1 1, 2 1, 3 2, 4 3. 1 1, 1 1 के लिए देखें, अब इसका सेकंड एलिमेंट 1 है. अब आर का रिलेशन आर के साथ बनाना है तो दोबारा पेयर्स देखने भी किस में पड़ेंगे, आर में. अब इसका सेकंड एलिमेंट 1 है तो आर में वो पेयर्स देखें जिनका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो. तो ऐसा एक ही पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, 1 1. 2 1, 2 1 में सेकंड एलिमेंट 1 है तो आर में वो पेयर्स देखें जिनका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, और वो एक ही पेयर है 1 1 वाला. 3 2, 3 2 का सेकंड एलिमेंट 2 है तो आर में वो पेयर्स देखें जिनका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, ऐसा एक ही पेयर है 2 1. 4 3, इसका सेकंड एलिमेंट 3 है, इसमें देखें ऐसा कौन सा पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो, 3 2. अब यहाँ पे आर का आर स्क्वेयर मतलब आर का कंपोजिट रिलेशन किसके साथ बनेगा, आर के साथ. ये वाले एलिमेंट छोड़ के इधर से फर्स्ट और इधर से थर्ड एलिमेंट उठा ले तो कौन सा पेयर आ जाएगा, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे बन जाएगा 2 1, यहाँ पे 3 1. जैसे हमने आर का रिलेशन एस के साथ बनाया था उसी तरतीब से यहाँ पे कौन सा पेयर आ जाएगा, 4 2. आर स्क्वेयर या आर का कंपोजिट रिलेशन विद आर, इसमें कौन से पेयर्स आ जाएंगे, 1 1, 2 1, 3 1, 4 2.